आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। काकोरी कांड की वर्षगांठ के अवसर पर अमृत महोत्सव के तहत सोमवार को जनपद के बंधु सिंह शहीद स्थल तरकुलहा मंदिर पर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। वर्चुअल रूप से जुड़े रहे राज्यपाल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जिलाधिकारी ने कहा, काकोरी कांड के शहीदों को किया गया याद। देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने वाले अमर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। काकोरी कांड की वर्षगांठ के अवसर पर पूरे प्रदेश में मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के तहत एडीजी जोन अखिल कुमार ने सोमवार को चौरी चौरा स्थित शहीद स्मारक पर अमर शहीद जवानों को अर्पित किया श्रद्धा सुमन, दी श्रद्धांजलि। अमर शहीदों को किया याद, कहा, नहीं भुलाई जा सकती अमर शहीदों की कुर्बानी। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डेस्क CID का SP सिटी ने फीता काट कर किया उद्घाटन। कहा, नागरिक जारी नंबर 7339865842 तथा 7839865843 पर फोन करके दे सकते हैं किसी भी अपराध की सूचना। पहचान रखी जाएगी गोपनीय। गोरखपुर में सोमवार को नहीं मिला कोई नया कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,376। अब तक 848 कोरोना संक्रमित मरीज गवा चुके हैं अपनी जान। 16 हुए एक्टिव मरीज। CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। प्रदेश सरकार के निर्देश पर जिला जेल में अमृत महोत्सव का किया गया आयोजन। वरिष्ठ जेल अधीक्षक ने अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। कहा, जिला जेल में धूमधाम से मनाया जाएगा स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त। बंदी करेंगे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन। वन अपराधियों पर होगी गैंगस्टर की कार्रवाई। वन विभाग तैयार कर रहा है अपराधियों की सूची। DFO अविनाश कुमार ने दी जानकारी। मुहर्रम पर्व सहित अन्य पर्व को सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से SP सिटी सोनम कुमार के नेतृत्व में किया गया पैदल गश्त। लोगों को दिलाया गया सुरक्षा का एहसास। SP सिटी ने कहा, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मनाए त्योहार। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत नगर निगम द्वारा स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों, महापुरुषों की प्रतिमाओं का कराया गया विशेष सफाई अभियान। नगर आयुक्त ने महानगर में स्थित महापुरुषों और शहीदों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर किया नमन। उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ जनपद शाखा के तत्वावधान में जिलाधिकारी कार्यालय से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को दी गई विदाई। उनके उज्जवल भविष्य की गई कामना। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ मेगा क्रेडिट कार्ड कैंप संबंधित बैठक। दी आवश्यक दिशा निर्देश। सोमवार को जिला अस्पताल सहित जनपद के कुल 81 केंद्रों पर 25,357 लोगों को किया गया कोविड का टीकाकरण। प्रथम डोज लेने वालों में 20,217 तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 5,140 लोग रहे शामिल। CMO ने कहा, अवश्य लगवाएं टीका जीत का। जिला अधिवक्ता एसोसिएशन के द्वारा नवागत जिलाधिकारी विजय किरण आनंद का किया गया स्वागत। एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा, बार और बेंच का सामंजस्य बनाकर किया जाएगा न्यायिक कार्य। देश की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अमृत महोत्सव के तहत देश में राष्ट्रीयता के भाव को जन जन तक पहुंचाने के लिए चलाएंगी एक गांव एक तिरंगा अभियान। लोगों में पैदा करेगी देशभक्ति की भावना। आपदा प्रबंध प्राधिकरण द्वारा चलाया गया जन जागरूकता अभियान। बांटा गया मास्क। लोगों से मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और हैंड सैनिटाइज करने की गई अपील। भूमि सुपोषण एवं हर घर एक पौधा तुलसी का एक पौधा सहजन अभियान के तहत हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं को दिलाया गया पर्यावरण सैनिक बनने का संकल्प। विभिन्न मांगों को लेकर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद जिला इकाई ने मुख्यमंत्री को प्रेषित किया ज्ञापन। समस्याओं के समाधान की मांग। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ जिला इकाई ने रखा मौन व्रत। मुख्यमंत्री को प्रेषित किया ज्ञापन। शिक्षकों की समस्याओं और कोरोना से हुई शिक्षकों की मौत पर 50 लाख रुपए राहत राशि दिए जाने की मांग।
कोरोना संक्रमण पर प्रभावी लगाम लगाने के उद्देश्य से शासन द्वारा रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लगाए गए कोरोना नाइट कर्फ्यू का सोमवार को भी दिखा मिला जुला असर। एसपी सिटी ने कहा, ऐप के जरिए की जा रही है बैरियरों की निगरानी, अनावश्यक घूमने वालों पर की जा रही है विधिक कार्यवाही। और सावन के तीसरे सोमवार को भी बाबा मुक्तेश्वर नाथ मंदिर में उमड़ी शिव भक्तों की भीड़। जलाभिषेक एवं पुष्प अर्पित कर लोगों ने की शिव की आराधना, मांगी मन्नत।